अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शिबली मैडम पर आपका स्वागत है। और हम जो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाते हैं, आज हम अपना सिफारा जो नया हमने अपना कायदा पूरा किया था और नया सिफारा शुरू करने के लिए जा रहे हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे। ये आम का सिफारा है। आम का सिफारा पढ़ने से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है कुरान शरीफ पढ़ने में। तो फिर शुरू करते हैं हम अपना सबक। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये आलम शरीफ। तो आलम शरीफ मैं आपको पढ़ा देती हूँ और पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले शुरू करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। ये जो आगायत है ये इन पर सांस टूटेगा, जहाँ जहाँ पर आगायत आ रही है वहाँ वहाँ हमारा सांस टूटेगा, और सांस तोड़ने के बाद हम आगे पढ़ेंगे। मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालीन। तो ये हमने आपको आलम शरीफ पढ़ाई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और हमारी जो आलम शरीफ है पूरी हो गई है। अगर आप लोगों को परेशानी आ रही है, कोई भी शब्द आप लोगों से नहीं निकल पा रहा है, तो आप उस शब्द की उस हर्फ की आप हिज्जो कर सकते हैं। हम आपको कुरान में हिज्जो करके नहीं पढ़ाएंगे, सारा कुरान रमा से ही पढ़ाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर किसी भी शब्द की अगर आपसे नहीं निकल पा रहा है तो आप उसको आप उसकी हिज्जे कर सकते हैं। जैसे कि ये है, मीम खड़ा जबर मा, लाम जेर ली, काफ जेर की, मा अली की, या वा जोर यव, मीम लाम जेर मिल, या उम्मीद, दाल या जेर दी, नून जेर नी, या उम्मीद दीन, या गायत आ गई, मिद्दीनी हो जाएगा, गायत पढ़ेंगे तो मिद्दीन आ जाएगा, मा अली की या उम्मीद दीन। जैसे ये है हमारे नस्तईनु, ये नून सीन जबर नस, ता जबर ता, नस ता, आईन या ज़ेर ई, नस ता ई, नून पेश नू, नस ता ई नू, आगायत आ गई तो क्या पढ़ा जाएगा, नस ता ईन। इया का नअबुदु व इया का नस्तईन। तो जिस जो हर्फ हमसे नहीं पढ़ना आ रहा है उस हर्फ की हम हिज्जो कर सकते हैं। सीए है मीम सीन पेश मुस, ता जबर ता, मुस्ता, काफ या ज़ेर ती, मीम जबर मा, मुस्तकीमा, अगैर मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। तो हम शुरू करते हैं अपनी आगे की जो अगली दुआ है, अगली हमारी सूरत है वो पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। तो ये हन्नासिल जो हमने आपको पढ़ाया, हन्नासिल, ये सीन और ये जो तश्ती दी गई है ये इसमें मिल जाएगा। ये हमने आपको पहले भी सिफारे में बताया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये सीन और लाम ये जो तश्ती दी गई है इससे मिला दिया जाता है, तो इसको पढ़ा जाएगा हन्नासिल लजी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रिल मा खलक, व मिन शर्रिल गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रिन नफ़ाथाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद। तो ये जो आगायत हमारी लगी हुई हैं, इन आगायतों पे हम सांस तोड़ेंगे, और मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें हम सांस नहीं तोड़ पाएंगे। तो हमारा ये जो आगायत है यहाँ पे सांस तोड़ना ज़रूरी है। वमिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद। आगे पढ़ते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب यहाँ पर खिंच जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मध्य हुआ है तबत यदा अभी लहब यूं व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयसला नारन जाता लहब यूं व मरातुहु हम्मालतल हतब फी जी दिहा हबलुम मिम मसद تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد तो ये जो हमने आपको सूरतें पढ़ाई हैं एक कलम शरीफ दो तीन चार पाँच तो ये पांच सूरतें हैं और ये जो हम सूरतें आपको पढ़ा रहे हैं ये ही सूरतें नमाज में भी काम आती हैं नमाज में भी तो इन सूरतों का आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो मुंह ज़बानी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी सूरतें हमारे नमाज में भी पढ़ी जाती हैं। तो फिर आज का हमारा सबक यहाँ पर पूरा हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई कमी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी उसका। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।